आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज आवृत्ति बीजों की वर्ग की टॉपिक। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कह दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है पूरा कंप्लीट अभी इससे पहले वाले, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से बायोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, फिजिक्स चेक कर सकते हैं, और कंप्यूटर भी मैंने पढ़ा रखा है जो कि सभी एग्जाम्स में आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आगे भी आएंगे, तो आप इन्हें वहां से जरूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ये मेरे पहले वीडियो में है, बायोलॉजी के पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? सिस्टमा नेचुरे पुस्तक लीनियस की ही है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति। ठीक है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है, सोलेनेसी कुल से संबंधित है आलू। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, कपास संबंधित है, कपास संबंधित है किससे? मालवेसी से। ठीक है, कपास मालवेसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन भी सोलेनेसी कुल का है। ठीक है, आलू और बैगन दोनों सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, कपास के पौधे का वंशीय नाम है, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? गॉसिपियम। ठीक है, गॉसिपियम, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? गॉसिपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट है आपका, आम का वनस्पतिक नाम है, आम का वनस्पतिक नाम आपको पता है, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? जितने भी अनाज वाले पौधे होते हैं वो सारे ग्रैमिनी कुल से संबंधित हैं। ठीक है, ग्रैमिनी कुल से संबंधित हैं। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन है आपका, गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम है, गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम, टिट्रिकम एस्टिवम। ठीक है, यह है गेहूं, गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है, दलहनी पौधे संबंधित हैं, दलहनी पौधे संबंधित हैं किससे? ल्यूगमिनोसी से। ठीक है, जो जितने भी पौधे दलहनी होते हैं वो सारे ल्यूगमिनोसी से संबंधित होते हैं। इससे पहले मैंने आपको भी बताया था कि जितने अनाज वाले होते हैं वो ग्रेमिनी से होते हैं और जो दलहन वाले होते हैं वो ल्यूगमिनोसी से संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आपका, सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल है कंपोजिटी। ठीक है, सबसे बड़ा कुल है कंपोजिटी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन है आपका, मूंगफली का वनस्पतिक नाम होता है, मूंगफली का वनस्पतिक नाम होता है अरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, मूंगफली का वनस्पतिक नाम होता है अरेकिस हाइपोजिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है आपका, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम है, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? थिया साइनेसिस। ठीक है, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? थिया साइनेसिस। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है आपका, तैल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तैल बीज वाली संबंध किससे संबंधित होती है? क्रूसीफेरी से। ठीक है, तेल बीज ऑयल सीड्स वाली फसलें क्रूसीफेरी से संबंधित होती हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? ग्रेमिनी से, दलहन वाले पौधे ल्यूगमिनोसी से, और ये अब ऑयल सीड्स वाले क्रूसीफेरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या है, मटर पौधा है, मटर है साक। ठीक है, मटर पौधा है साक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है आपका, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन सा? सिकुआ। ठीक है, सिकुआ जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एटीन क्या है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है?
एटोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से, ठीक है, पत्तियों से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो तना, ठीक है, तना जो है वो एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। कपास के रेशे होते हैं, कपास के रेशे कैसे होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रोम, ठीक है, कपास के रेशे होते हैं बीजों के अधिचर्मी रोम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है आपका, मोरफिन निकाला जाता है, मोरफिन निकाला जाता है किससे? मोरफिन निकाला जाता है पैपेवर सोमनीफेरम से, ठीक है, पैपेवर सोमनीफेरम से, ठीक है। 21 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। केसर उत्पन्न होता है, केसर उत्पन्न होता है किससे? तो केसर जो है वो आपका क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है, ठीक है। केसर जो है कहाँ से कैसे उत्पन्न होता है? क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र उत्पन्न होता है किस कैसे? बेटुला की छाल से, ठीक है, भोजपत्र जो है बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 क्वेश्चन क्या है। लौंग है एक सूखे फूल, लौंग एक प्रकार के सूखे फूल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? 25 का, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम जो होता है फूल गोभी का उसे खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 26, ये है पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है बीजों से, ठीक है, पौधे के बीजों से जो है वो कॉफी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। एक आप लोगों ने देखा होगा जो कॉफी पाउडर होता है उसके साथ मिलाया जाता है चिकोरी पाउडर, वो कहाँ से प्राप्त होता है वो पूछा है, तो वो जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है, जो चिकोरी चूर्ण होता है वो जड़ों से प्राप्त होता है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन है आपका। अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम कैसे प्राप्त किया जाता है? अफीम बिना पके फल के लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, बिना पके फल के लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। रेस्पिरिन नामक औषधि प्राप्त होती है, रेस्पिरिन नामक औषधि प्राप्त होती है कहाँ से? राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से, ठीक है, राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से, ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है आपका। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर है आपका छाल। कुनैन जो है सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो छाल से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं, उपयोगी उत्पाद होते हैं किसमें? केसर में, ठीक है। अभी ऊपर ये क्वेश्चन था आपका, आगे देखिए, जब ऊपर पूछा था किसमें केसर उत्पन्न होता है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा था केसर उत्पन्न होता है, तो आपने क्या कहा था? क्रोकस के वर्तिका और तथा वर्तिकाग्र से, ठीक है, वही क्वेश्चन है। वर्तिका तथा वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं किसमें? केसर में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। हल्दी चूर्ण टर्मरिक हल्दी चूर्ण यानी कि टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है आपका शुष्क प्रकंद से, ठीक है, शुष्क प्रकंद से, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो इसका आंसर है आपका, जो आपका टिट्रिकेल है वह एक मानव निर्मित धान्य है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। विटामिन सी का सबसे अच्छा
स्रोत है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, ठीक है, आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला देखिए कल क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। 35 क्वेश्चन है आपका, तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में होता है क्या, निकोटिन होता है, ठीक है, तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, उक्त रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, उक्त रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, इसका आंसर है आपका राउ वुल्फिया जाति से, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो उसे रोकने के लिए जो औषधि प्राप्त होती है वो राउ वुल्फिया जाति से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आपका, भारत की प्रमुख धान्य फसल है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है, ये है आपकी चावल, ठीक है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है, चावल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है आपका, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं, तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं, ठीक है, दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 39, ये है किस वनस्पति खाद में, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है, यानी कि किस में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो दोस्तों जो सोयाबीन होता है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है, ठीक है, सब जो सोयाबीन होता है उसमें अधिकतम प्रोटीन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो इसका आंसर है आपका कपास, ठीक है, कपास जो है यहाँ पर पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है, वह क्या है, वह है क्लोरोक्वीन, ठीक है, क्लोरोक्वीन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका निम्नलिखित ऑप्शन डी, यानी कि मटर, ठीक है, मटर जो है वो नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मृदा को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जो दालचीनी होती है वो एक पेड़ की छाल होती है, ठीक है, जिसे हम मसाले के रूप में यूज़ करते हैं अपने किचन में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है, तो उड़द, चना, मटर, सोयाबीन, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, ठीक है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, तो आपको पता है चीड़ से जो है, चीड़ है, चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ये देखिए आरआरबी 2004 में, एसएससी में और ये तीन में आया हुआ है, तो आए हुए क्वेश्चन ही में इसमें है सबसे ज़्यादा बुक में, तो इन्हें बहुत अच्छे से करिए आप लोग, 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करिए, मैं ये हर लेक्चर में कहता हूँ आपसे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है आपका फूल की कली से, फूल की कली से, ठीक है। दोस्तों ये वाले लेक्चर्स अगर आप कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद अगर आपको और ज़रूरत होगी कि बायोलॉजी के मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊं, तो हम स्पेशल क्लासेस भी करेंगे स्पेशल टॉपिक को लेकर, जैसे कि विटामिन और अलग अलग इसमें है विटामिन और उसके वैज्ञानिक नाम, इस टाइप के जितने भी बायोलॉजी में अलग अलग पार्ट्स हैं, तो
उनको हम अलग अलग सेपरेट वीडियो, अगर आप कहेंगे 10 मिनट का 15 मिनट का, तो वो भी बना के डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है। 47 क्वेश्चन है आपका, हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर है आपका तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका, हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर है आपका तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 48, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, घास में। ठीक है, बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 49। 49 क्वेश्चन है आपका, धनिया में उपयोगी अंश होता है, धनिया में कौन सा उपयोगी अंश होता है, पत्ते और सूखे फल। ठीक है, पत्ते और सूखे फल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, जैव ईंधन किसके बीज से, किसके बीज से प्राप्त होता है। तो जो जैव ईंधन होता है वो जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका आंवला। ठीक है, जो आंवला है वो एक शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 52, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, यानी कि हल्का सा गुलाबी सा, कैरोटीन, उसमें कैरोटीन की मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, और आगे भी सब आए हुए ही क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 52 हो गया कि गाजर में, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो उसका आंसर है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाजर का रंग ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 53, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है, पपीते का रंग पीला क्यों होता है। तो जो इसमें पपीते में कैरिका जैंथिन होता है, कैरिका जैंथिन होता है, उसकी वजह से इसका रंग पीला होता है। ठीक है, पपीते में कैरिका जैंथिन के कारण इसका रंग पीला होता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, मिर्च की तीक्ष्णता, यानी कि जो मिर्च में कड़वापन होता है, मिर्च के कड़वेपन का क्या कारण है। तो मिर्च के कड़वेपन का कारण है कैप्सेसिन की उपस्थिति, मिर्च में कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण उसका तीखापन उसमें होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग होता है या किया जाता है। तो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए दोस्तों सेलिक्स परप्यूरिया का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, सेलिक्स परप्यूरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, फलीदार पादपों में जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं कौन से। इसका आंसर है आपका सहजीवी। ठीक है, सहजीवी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था, पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था, विटेकर ने किया था। ठीक है, विटेकर ने किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों आपका, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। इसका आंसर है आपका वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र जो है यूज में लाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, चंदन के पेड़ को आंशिक या मूल परजीवी माना जाता है। ठीक है, चंदन के पेड़ को आंशिक या मूल परजीवी माना जाता है। ठीक है, देखिए एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, 60 क्वेश्चन है आपका, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती हैं, जो पादपों के, इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किस कुल से
हमें दालें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका लेग्यूमिनोसी। ठीक है, लेग्यूमिनोसी ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, लेग्यूमिनियो सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के क्या कारण होते हैं। ठीक है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग के क्या कारण होते हैं। तो इसका आंसर है आपका कैरोनी टॉइड। ठीक है, कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीनॉइड इसका मुख्य कारण है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 क्या है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किससे संबंधित है। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, तीन पादप परिवारों से। ठीक है, तीन पादप परिवारों से। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है, कैसी है। द्विपद। ठीक है, द्विपद है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज आपके 63 क्वेश्चन टोटल आवृत्त बीजियों की वर्ग की टॉपिक से। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मैं क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी जल्दी करा देता हूँ, तो अगर आपको स्पीड में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको लगता है कि मैं बहुत धीमे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ या आपको कभी लगता है कि मैं बहुत तेज़ी से पढ़ रहा हूँ, तो आप अपने ऊपर वीडियो में जहाँ आप देखते हैं उसमें राइट में ऊपर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेबैक स्पीड को तेज़ और धीमा कर सकते हैं। आपको जिस स्पीड में क्वेश्चंस आसानी से समझ में आए वो आप स्पीड खुद सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा और इन्हें 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, और अगर आप लोग कहेंगे बायोलॉजी में, फिजिक्स में जैसे यूनिट है, किसका क्या इकाई है, यूनिट है, सूत्र है, फॉर्मूले हैं, तो अगर ये सब आपको स्पेशल वीडियोस चाहिए फिजिक्स के टॉपिक से या बायोलॉजी में जैसे डिजीजेस हैं और विटामिन के वैज्ञानिक नाम हैं किसी भी टॉपिक को लेकर पर्टिकुलर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों इसे शेयर करना भी अपने दोस्तों में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।